राज के करोड़ों के बिजनेस का राज आखिरकार खुल ही गया। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में बुरे फंस गए हैं। मामले में राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस मामले में एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे का भी नाम सामने आ रहा है। अब एक एक करके आपको राज कुंद्रा के पूरे धंधे के बारे में बताने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि राज कुंद्रा एक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल थे जिसमें अश्लील फिल्मों के कारोबार के बारे में बातचीत होती थी। एच अकाउंट के नाम से ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। इसमें अश्लील फिल्मों के कारोबार के बारे में चर्चा होती थी। इसमें कई लोग शामिल थे। राज कुंद्रा इसमें मार्केटिंग, सेल्स से लेकर मॉडल्स के पेमेंट और रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जाए, इन सब चीजों को लेकर बातें करते थे। खुलासा ये भी हुआ है कि राज कुंद्रा एंड कंपनी ने पोर्नोग्राफी लोगों तक पहुंचाने के लिए एक खास ऐप भी डिजाइन किया था जिसका नाम था हॉट शॉट्स। इस स्ट्रीमिंग ऐप को अब गूगल और एप्पल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। इस ऐप में शॉर्ट हॉट मूवी के अलावा हॉट फोटोशूट समेत कई तरह का कंटेंट शामिल था। ऐप में पेमेंट का ऑप्शन भी था ताकि पेमेंट करके ज्यादा और बेहतर कॉन्टेंट देखा जा सके। बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे को भी ऐप के जरिए ही जोड़ा गया था। इस मामले में इससे पहले जब महाराष्ट्र साइबर सेल ने शर्लिन चोपड़ा और पूनम पांडे से पूछताछ की थी तो दोनों ने राज कुंद्रा का नाम लिया था। शर्लिन का कहना था कि उन्हें एडल्ट इंडस्ट्री में लाने वाले राज कुंद्रा ही हैं। शर्लिन चोपड़ा का दावा है कि राज कुंद्रा उनको हर प्रोजेक्ट के लिए 30 लाख रुपए का पेमेंट करते थे। शर्लिन ने राज कुंद्रा के साथ ऐसे करीब 15 से 20 प्रोजेक्ट किए। पूनम पांडे की बात करें तो मॉडल और एक्ट्रेस पूनम पांडे ने बीते साल राज कुंद्रा और उनके सहयोगी सौरभ कुशवाहा के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में शिकायत दर्ज की थी। पूनम पांडे ने राज कुंद्रा पर गंभीर आरोप लगाया था कि राज कुंद्रा और उनकी कंपनी ने गैर कानूनी तरीके से उनके वीडियो और तस्वीरों का इस्तेमाल किया है। पूनम का कहना था कि दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट में गड़बड़ी की वजह से खत्म हो गया था। पुलिस के मुताबिक मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में काम की तलाश में आने वाली जरूरतमंद लड़कियों को बड़ी फिल्मों में रोल दिलाने के नाम पर फंसाया जाता था। हर हफ्ते फिल्म रिलीज की जाती थी। अब फिल्मों को अपलोड कहां से और कौन करता था, इस पर भी पुलिस को नई जानकारी मिली है। पुलिस के मुताबिक फिल्में देश से नहीं बल्कि विदेश से अपलोड की जाती थीं और इन्हें राज कुंद्रा का एक नजदीकी ही अपलोड करता था। सॉफ्ट पोर्नोग्राफी से जुड़ी फिल्मों को लंदन से अपलोड किया जाता था। पुलिस की जांच में ये भी पता चला है कि इस पोर्नोग्राफी रैकेट को चलाने के लिए मुंबई में मलाड वेस्ट के मठगांव में एक बंगला किराए पर लिया गया था जहां अश्लील फिल्मों की शूटिंग चलती थी। यहां तक कि जब पुलिस ने यहां छापा मारा तब भी अश्लील फिल्मों की शूटिंग चल रही थी। इन अश्लील फिल्मों और वीडियो को एक नहीं कई साइट्स पर अपलोड किया जाता था और पैसे कमाए जाते थे। क्राइम ब्रांच ने फरवरी 2021 में अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का एक केस दर्ज किया था। केस दर्ज होने के बाद से ही पुलिस ने कई अलग अलग जगहों पर छापेमारी की थी। अब जाकर 19 जुलाई को राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने सेक्शन 420 और 66A के तहत मामला दर्ज किया है। बाकी सेक्शन के अलावा दोनों गैर जमानती हैं और इसमें 7 साल और 5 साल की जेल हो सकती है। फिलहाल कोर्ट ने राज कुंद्रा को 23 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इस मामले में राज कुंद्रा समेत 10 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। ऐसा पहली बार नहीं है जब राज कुंद्रा का नाम किसी विवाद में आया है। आईपीएल फिक्सिंग से लेकर अंडरवर्ल्ड से डील तक कई विवादों में राज कुंद्रा का नाम आ चुका है। पर्सनल लाइफ की बात करें तो राज बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति हैं। दोनों को इस शादी से 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटी का जन्म सरोगेसी के जरिए हुआ है। इस मामले में अब तक शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। देखना होगा कि ये मामला आगे कहाँ तक जाता है। News Tech Bureau.